बारा के शाहबाद केलवाड़ा थाना क्षेत्र के खटका गांव में दो मासूम बच्चियों की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिससे गांव में शोक की लहर फैल गई। जानकारी के अनुसार अलका और हसीना अपने पिता के साथ खेत में गई थी, जहां पिता पप्पू किराड़ गेहूं की फसल की कटाई करवा रहे थे, और इसी दौरान छोटे भाई के साथ दोनों मासूम नदी पर पहुंच गई और नहाने के लिए नदी में उतर गई, लेकिन काफी देर से पानी से बाहर नहीं आने से छोटे भाई ने लोगों को इस बारे में जानकारी दी, जिन्होंने पिता को सूचना देकर मासूम बच्चियों को नदी से बाहर निकलवाया। आपको बता दें कि अस्पताल में बाद में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों ही बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि नहर में दोनों बच्चियां नहाने के लिए गई थी, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आने पर छोटे भाई ने इसकी सूचना अपने पिता को दी, जिसके बाद अस्पताल में दोनों बच्चियों को भर्ती करवाया गया, लेकिन दोनों ही बच्चियों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। दोनों बच्चियों की नदी में डूबने से मौत हो गई और आगे की पूरी जांच पड़ताल पुलिस ने भी शुरू कर दी है। खटका गांव की एक घटना, जहां पर नदी में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई। नहर में नहाने के लिए दो बच्चियां गई थी, लेकिन काफी समय से बाहर नहीं आने पर छोटे भाई ने अब इसकी शिकायत अपने पिता को करी और उसके बाद दोनों बच्चियों को नदी से बाहर निकाला गया। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों ही बच्चियों की मौत हो गई और आगे की भी पूरी कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है, लेकिन इसके बाद से ही खटका गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता आदर्श फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी आदर्श, बताएं क्या कुछ था पूरा मामला। जी लवीना, ये केलवाड़ा क्षेत्र के बालदा गांव में जी आदर्श बताएं। जी केलवाड़ा थाना क्षेत्र के खटका गांव में फरका नदी में दो बच्चियां जी आदर्श आदर्श क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि खटका गांव में दो मासूम बच्चियों की नहर में डूबने से मौत हो गई और नहाने गई थी दोनों बच्चियां, लेकिन कई देर तक पानी से बाहर नहीं आने पर छोटे भाई ने इसकी शिकायत अपने पिता को की और उसके बाद पिता ने दोनों बच्चियों को बाहर निकलवाया, लेकिन आपको बता दें कि दोनों बच्चियों की मौत हो गई।